54 किलोमीटर का सफर। बस में एबीपी गंगा के रिपोर्टर। बारी बारी से बताएंगे 3 विधानसभा सीटों का हाल। कौन होगा 22 का बादशाह? खुलकर कहो, लखनऊ चलो। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास कार्यक्रम लखनऊ चलो। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पुराना बस स्टैंड पर, जहां पर हम बस में सवार होंगे और लोगों से जानेंगे कि वो इस बार लखनऊ किसे भेजना चाहते हैं। अब हमारा सफर शुरू हो गया है और अब लोगों से जानते हैं कि लोगों के मन की बात कि लखनऊ इस बार ये किसे भेजना चाहते हैं। जी राम राम, किसे भेजना लखनऊ इस बार? मोदी। लखनऊ किसे भेजना चाह रही हो इस बार? इलेक्शन आ गए, चुनाव आ गए। मोदी जी को। हाँ जी, मोदी की सरकार बढ़िया चल रही इस टाइम। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं बहुत काम कर मैंने किया था। किया होगा जी, हमारे लिए तभी कुछ किया ना अभी तक मोदी से कुछ मिला ना उससे, पर मोदी की सरकार अच्छी है जी। किसे भेजना चाह रहे हैं आप लखनऊ? मोदी को। मोदी जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, महिलाओं के आधे टिकट देंगे, महिलाओं की हूँ लड़ सकती। हाँ बोल तो रही है, ऐसे ही पता नहीं कुछ होएगा नहीं होएगा। अच्छा हाँ, लेकिन आप बीजेपी? बीजेपी हाँ जी, सही है, जो हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए आप बताइए किसे भेज रहे लगे? योगी। योगी सोचा हुआ है जी? काम सही हो रहे हैं जी? हो रहे हैं। महिला सुरक्षा को तरक्की है, महिला भी सुरक्षित है। महिला सुरक्षित? सुरक्षित है। विकास के नाम पे क्या है? विकास की बात की जाए तो किस सरकार से संतुष्ट ज्यादा है? मायावती जी भी रही, अखिलेश जी भी रहे, अब योगी जी? नहीं, आई सपोर्ट योगी। योगी योगी। अच्छा ये बताओ कि लखनऊ तुम किसे भेजना चाहो? मैं बीजेपी से मंडल सोशल मीडिया प्रभारी हूँ, तो प्रभारी भी हो और बस में टिकट भी काट रहा हूँ, और फिलहाल मैं तो ऑलरेडी मेंबर ही हूँ। ऑलरेडी तुमने बता ही दिया, तुमने तो, तुम तो बीजेपी के हो ही। तो राम राम, ठीक ठाक हो? घर में सब ठीक? किसे भेज रहे लखनऊ? लखनऊ किसे भेज रहे हो इस बार? योगी जी को भेज रहे हैं। योगी जी को? योगी जी को। कुछ काम वाम हुआ नहीं हुआ? हो रहा, वो हो रहा, ठीक हो रहा। कौन सा गांव है, कहाँ के रहने वाले? बड़ा मसूरी। अच्छा, खेती भी करते होंगे? खेती भी करूँ थोड़ी सी। किसान आंदोलन भी हुआ था? हाँ हाँ, उसे जब योगी, हाँ योगी जी को दे रहे हैं। भेजोगे आप? ऐसे भेज दें। अच्छा ना, चलिए आपसे जानना चाहेंगे किसे भेज रहे हैं आप? योगी जी को। योगी, काम हुआ? बिल्कुल हुआ जी, बहुत काम हुआ, बहुत काम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे सामने कोई टक्कर में ही नहीं है, काम मैंने बहुत किए, मैं आऊँगा तो बहुत काम करूँगा। देखो जी, ये तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, हम तो योगी जी का। किसे भेज रहे हैं जी आप लखनऊ इस बार? अरे लखनऊ में तो योगी जी हैं, भेजना क्या? अच्छा, नहीं अभी नहीं, अभी तो है लेकिन चुनाव भी आ गए। अब तो चुनाव में भी वहीं रहेंगे, और कौन जाएगा? वहीं रहेंगे और कौन रहेगा? कुछ काम वाम हुए ना? दिखाई देता है ना, ये देखो ना, ये सारे काम ही चल रहे हैं, ये देखो, ये काम ही चल रहा है, ये पिछले 25 साल से ये चल रहा है, आज तक नहीं बन पाई थी, अब काम हो रहा है, ये दिखाई देता है ना, काम रोड पर जाकर देखो ना। संतुष्ट है? लिख से क्या देखना, जो काम करेगा ना उसका दिखाई देगा काम, ये तो आप भी जानते हो ना भाई, जो काम करता दिखाई देता है। कोई भी आदमी डिब्बी में बंद करके काम थोड़ी रख लेगा, अगर अखिलेश यादव भी काम करते तो दिखाई देता, अब दिखाई नहीं दे रहा कुछ। ठीक ठाक है? ठीक ठाक है तो नहीं, 8 दिन में आप जा रहे घर? क्या हो गया? जब भर्ती कैंसिल होगी तो नहीं ऐसे जाओगे घर को अपना? और कैंसिल होगी भर्ती? देखे हाँ, नहीं भर्ती सरकार कोई सी भी हो, भर्ती का कोई मैटर नहीं होता इनका। हाँ आप बताइए लखनऊ? हम तो योगी जी को ही भेजेंगे जी। हाँ, और इस अच्छी कोई वो है ही नहीं सरकार जो है। कारण क्या है? बस काम भी है, वैसे भी सब ठीक, कानून व्यवस्था भी ठीक है, क्राइम जो है रहा नहीं, जो
माफिया या डॉन थे वो सब गायब है, कहाँ गए मेरठ के भी देख लो, गाड़ी कट जाती दिन हुई है, कोई दिखाई देता है नहीं दिखाई देता। और लखनऊ किसी को भेजना इस बार सोचा होगा लखनऊ भेजना? हाँ जी। किसे भेज रहे हो? योगी जी जाएंगे। योगी जी जाएंगे जी। विकास के नाम पे काम हुए? हाँ जी बहुत काम हो रहे हैं। हाँ जी राम राम। ठीक है आप? किसे भेज रहे हो लखनऊ? योगी जी हमारी तरफ से, तो ही वो डन है, बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 साल से, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, विकास हुआ है काफी बढ़िया, पब्लिक खुश है। खुश? बिल्कुल खुश है। किसे भेज रहे हैं लखनऊ इस बार? नया आएगा कोई नया, दूसरा नया, दूसरा को वो कोई भी आ जाओ नया, जो अगले जैसा आ जा। अच्छा हाँ, सरकार बदलनी है आपको? बिल्कुल बदलते रहने चाहिए, तो ये तो भ्रष्ट हो जाएगा अगर एक ही रहेगा तो। अच्छा हाँ, भ्रष्ट हो जाएंगे, 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए किसी को। आपका कहना है कि 5-5 साल में सरकार बदलती है? हाँ बिल्कुल बदलती है। ये बताइए लखनऊ किसे भेज रहे हैं? लखनऊ देखो गवर्नमेंट तो भाजपा की आनी है। अच्छा भाजपा की काम हुई है भाजपा राज में? हाँ काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे। और रोड, आप रोड की कंडीशन देखो बहुत अच्छी है, बिजली पानी सब चीज़ अच्छा हो रहा है, क्राइम रेट बहुत कम हुआ है, और क्या चाहिए। अच्छा सब आप बताइए किसे भेजना चाहते हैं लखनऊ? हाँ जी क्या बताइए किसे वो? हम तो नखले को कहना, अखिलेश को भेजना चाहते हैं। अखिलेश को? हाँ जी। नाम है, कहाँ के रहने वाले? मैं फजलगढ़ गांव का रहने वाला, मोदनगर के पास में। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा। हाँ जी कहना जो काम करना अखिलेश ने करे हैं, गरीबी की रक्षा करी है या कहना मतलब कुछ भी दिया है उसने, कहना उसकी देन है। हमें 20 साल हो गए योगी जी ने, कहना अब 10 साल कहना 5 साल इनके होने के जा रहे, कहना इन्होंने हमें कुछ नहीं कहना, मतलब सोचने की न करने, क्योंकि हम सफाई कर्मचारी हैं। इन्होंने यूं नहीं सोची कि इन्हें चलो भाई इन्हें दो या कुछ भी दो, पक्के परमानेंट करना ऑर्डर पहुँचा रहे, फिर बीच में गायब हो रहे हैं, या हम ठेके पे हैं या मजदूरी पे हैं, हमारा सर कहना हमारा कुछ काम नहीं करा। किसे भेजना चाहते हैं लखनऊ अब? हम तो भैया योगी जी के आदमी है, योगी जी को ही जानेंगे हमारा। योगी जी के आदमी कैसे? कैसे वो बढ़िया काम कर रहे हैं और काम अच्छा कर, गुंडागर्दी खत्म कर दी और क्या करेंगे। बताओ भेजना चाहते? अखिलेश है जी अपना, तो योगी वोगी कोई नहीं, अखिलेश सीधा। भैया वाल्मीकि समाज के लिए बतेरा कुछ कर रखा अखिलेश ने, देखो हम बोर्ड वालों में हैं, अभी तक हमारे 10,500 रुपये तनख्वाह, 20 साल होगी अभी तक हमें कुछ वेतन भी नहीं मिला, ठीक है। तो हम तो इसी वजह से कहेंगे कि हमें बोर्ड वालों से हमें न संविदा वालों में रखा जा रहा, न हमें पक्का परमानेंट कराया जा रहा, तो हमारा तो अखिलेश को ही देने का वो है विचार। हमने अपने सफ़र की शुरुआत की गाज़ियाबाद के पुराना बस स्टैंड से, और हमने लोगों से जाना कि आखिर लोग लखनऊ किसे भेजना चाहते हैं। लोगों ने अपनी बात बड़ी ही बेबाकी से रखी। हम इस सफ़र के दौरान गाज़ियाबाद से मेरठ तक पहुँचे, इस बीच में 3 विधानसभा पड़ी, पहली थी गाज़ियाबाद की शहर सीट, दूसरी थी मुरादनगर सीट, तीसरी थी मोदी नगर सीट। अब आगे हमारे सहयोगी पूर्वांचल से बताएंगे वहां का हाल। वाराणसी से प्रयागराज तक क्या है जनता का मिजाज? ₹120 किलोमीटर का सफर, बस में एबीपी गंगा के रिपोर्टर। बारी बारी से बताएंगे 2 विधानसभा सीटों का हाल। कौन होगा 22 का बादशाह? खुलकर कहो लखनऊ चलो। एबीपी गंगा आज वाराणसी से प्रयागराज के सफर पर है। इस बस के माध्यम से हम प्रयागराज की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि वो लखनऊ किसको भेजेगी। प्रयागराज
तो लखनऊ चलो के इस खास शो में इस वक्त हम उस बस में सवार हैं जो बनारस से प्रयागराज की ओर जा रही है, यानी धार्मिक शहर से धार्मिक शहर, यानी अगर बात करें तो संगम नगरी तक ये बस जाएगी। और इस बस में मौजूद जनता से हम ये बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो लखनऊ किसको भेजेगी। जो बस के कंडक्टर हैं, चूँकि इन पर जिम्मेदारी भी रहती है, एक बैग भी इनके पास है और उसमें पैसे भी रहते हैं, लेकिन इनसे जान भी लेते हैं, लखनऊ किसको भेजेंगे कंडक्टर महोदय? सर, जो साफ छवि की सरकार हो उसमें जो नुमाइंदे हम चुने, जो सर्वांगीण विकास को सोचता हो, जो जातिगत से और हर चीज़ों से उठ करके सोचे, जो मानवता को सोच सके, ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं। मानवता को सोच जी, किसको लखनऊ भेज रहे हैं? इस समय तो पूरी तरह से राजनीतिक उठापटक का माहौल है। तो हम देख रहे हैं कि शायद हमको परिवर्तन करने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। अभी लखनऊ किसको भेजें? जैसे जनता चुन ले। जनता तो साहब आप ही, वोटर तो आप, हमारे अकेले से नहीं है ना, जिसमें बहुमत होगा वो जाएगा, लेकिन जनता तो वोट करेगी। आप किसको लखनऊ भेजें? तो वो तो हम वोट जिस दिन करेंगे उस दिन देखेंगे, आगे रखेंगे, बिल्कुल बताएंगे। नहीं बिल्कुल, हमारा अधिकार है। ये तो आपका भी अधिकार है कि आप छिपा के रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि विकास को कितने नंबर देते हैं आप? विकास बहुत बढ़िया हो रहा है और परिवर्तन की उम्मीद नहीं है, जो योग्य है वो रोजगार पा रहे हैं। आप किसको लखनऊ भेजेंगे? अरे योगी जी, योगी जी को क्यों? अरे पूरा सब जितना विकास देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, बहुत सारे विकास किए हैं उन्होंने। इलाहाबाद की देखिए या बनारस की ही देखिए ना, सब एकदम चौड़ीकरण रोडे, इलाहाबाद तो आप देखेंगे पूरा सब, मतलब विकास हुआ जी जी। लेकिन गठबंधन एक हो गया है और वो विकास के दूसरे तरफ अपनी धारा लेकर चल रहा है, जातिवाद की धारा। तो क्या वो जातिवाद की धारा लेकर चल रहे हैं या इधर जातिवाद की धारा है, क्या मामला क्या है? नहीं नहीं, जातिवाद की धारा तो खैर है, लेकिन फिर भी योगी वही धारा रहेगी, योगी रहेगी। हाँ योगी रहे। हम प्रयागराज जाने वाली जनता से ये जानेंगे कि वो लखनऊ किसको भेजेगी। तो हमारे साथ कुछ युवा हैं और बहुत गंभीर मुद्रा में हैं, बता नहीं रहे लखनऊ किसको भेजेंगे। अखिलेश। अखिलेश को क्यों? काम किए हैं। काम किए हैं भैया? सरकार तो बीजेपी की रही और वो कब काम किए, क्या काम? 5 साल पहले बहुत काम किए थे। 5 साल में काम? पिछले 5 साल। अच्छा, पिछले वाले सरकार में 17 तक। अच्छा, 17 में काम किए? 17 तक काम हुआ। लेकिन आपके पास में ही सीट पे बैठे हुए जो व्यक्ति है वो कह रहे हैं कि सरकार नहीं सोच रहा। लखनऊ आगरा हाईवे, इकाना स्टेडियम, डायल 100 1090, 102 और अब क्या बता सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन डायल 112 भी चलता है। बदलने से क्या होता है? बदले है ना, नाम बदलने से कहा, इकाना स्टेडियम का अटल स्टेडियम कर दिया। लेकिन आपके पड़ोसी क्या मानते हैं, इनसे भी जान लेते हैं, तो कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं योगी की, योगी के जो मुकाबले में बात कर ले अगर अखिलेश योगी के, तो अखिलेश के मुकाबले में विकास नहीं। अब उनको समझ में आ रहा है, वो अपना बता रहे हैं, हम अपनी मत बता रहे हैं। यार धर्म के बाद अगर कोई विभाग में कुछ नहीं काम कर, चल मंदिर के अलावा मंदिर थोड़ा बहुत रोड बनवा, खाली धार्मिक संदेश दिया आपके हिसाब से। बेरोजगार देखो कितना है इलाहाबाद में, सब ऐसे धरना दे रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। हम ये जानना चाहेंगे कि आप लखनऊ किसको भेजें, मुख्यमंत्री किसको चुने? हम तो अखिलेश को चुने। हाँ क्यों? अरे इतना महंगाई आ गई, एक भी काम नहीं है कहीं पे, काम के विषय में देखिए, काम मिल रहा कहीं पे किसी को? विकास में तो सड़क, काम और सब, खाने पीने के लिए, रहने के लिए सब कुछ दिए, लेकिन नौकरी चाकरी या काम कहाँ है किसके पास? आप प्रयागराज जा रहे हैं तो लखनऊ किसको भेजें? सर जहाँ तक लखनऊ की बात है तो वो समय आने पर उनको चुना जाएगा। फिलहाल अगर आप ओपिनियन जानना चाहते हैं एक युवा के नाते, तो बताना चाहूँगा कि बिल्कुल माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ही चुना जाएगा, ठीक है। और डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के विषय में भी उन्होंने काम किया है, सारी चीज़ों के विषय में उन्होंने काम किया। आप देख भी सकते हैं कि पहले जब भी यहाँ पे कोई बाहर से आता था तो यहाँ के जो रोड होती थी कंजेस्टेड होती थी, गंदगियाँ थी, लोग इसकी बुराई करके जाते थे, पर आज आप आकर देख सकते हैं कि रोडें चौड़ी हो गई हैं, सफाई के मामले में भी अव्वल काम हुआ है। और
इतना अच्छा विकास और डेवलपमेंट हुआ है कि अभी एक पर्यटक स्थल काशी बनी हुई है। तो आप ही बता दीजिए कि किसको भेजेंगे लखनऊ? जी जो भी काम अच्छा करेगा उसका यानी उसे भेजा जाएगा ना। अच्छा जो काम करेगा, मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें भेजा जाएगा। और जी जी, और मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध हम से है कि मतलब कुल मिला के रोडवेज कर्मचारियों को नियमित किया जाए, जो संविदा लगे हुए हैं बेचारे, कोरोना काल में बहुत उन्होंने मेहनत किया लेकिन उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी नहीं किया जा नियमित नहीं किया जा रहा है, उनको नियमित करना जरूरी है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मेहनत इन्होंने किया है। फिलहाल वाराणसी से प्रयागराज के सफ़र पर हमारा जो इनसे राय लेने का सिलसिला है यही समाप्त होता है।